अरे ये तो सच देवा है. एंड देन द डिस्कशन हैपेंड इन पंजाबी. अभी भी याद है वो एलिमेंट एनवी जो मैं झुका के शुरू करता था. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं कहानियां सुनाता हूँ, कुछ अपनी कुछ अपने दोस्तों की. आज स्कूटर पार्ट वन में एक पुराने दोस्त का किस्सा सुनाऊंगा. दोस्ती तो था मेरा एलएमएल एनवी स्कूटर. कुछ अरसा हुआ उससे मिले हुए. मैंने बहुत गुस्सा किया था उससे, बट आज तक उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया. आज का किस्सा उसी एलएमएल एनवी स्कूटर के बारे में. 15 फरवरी 2004 12:30 बजे संडे को हम पागलों की तरह बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर भाग रहे थे. कुछ चोरी हो गया था हमारा. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पीछे वाले यार्ड में, यार्ड के पीछे वाली गली में. कुछ पैसेंजर गाड़ियां खड़ी थी उसके अंदर. कुछ खो गया था हमारा. और 15 फरवरी याद मुझे इसलिए है क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन हम 5 फ्रेशर्स आंखों में सपने लिए हुए एक नई जॉब करने पूना से बैंगलोर के लिए निकले थे. फरेरो रोशर्स का चॉकलेट का डब्बा पकड़े हुए एक कोने में अनिल यादव को देखा था मैंने. काफी उदास था वो. उदास ही होगा कोई जब किसी का अपना पुणे में था और वो बैंगलोर जा रहा था. बट इस जर्नी में कुछ लोग और उदास थे. अनिल का बड़ा वाला म्यूजिक सिस्टम और उसका ट्रंक एक टॉयलेट के ठीक बाहर पड़ा था जिससे वो टॉयलेट ब्लॉक हो गया था. अनिल कुछ अपने 10 नग के साथ ट्रैवल कर रहा था. जैसे ही हम लोग बैंगलोर पहुंचे अगले दिन सुबह 15 फरवरी को संडे को, तो हमने अपना अपना सामान नीचे उतारा और हम लोग कुली से नेगोशिएट कर ही रहे थे कि अनिल ने बोला, अरे मेरा एक बैग कहाँ है जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स और मेरे सारे इस्त्री किए हुए कपड़े हैं. और हमने इधर उधर देखा. मैं और अनिल भाग के ट्रेन के अंदर चेक किया, वो अभी भी खड़ी थी स्टेशन पे. और देखा शायद सीट के नीचे होगा, बट नहीं था. हम दोनों पागलों की तरह बैंगलोर में रेलवे स्टेशन पर भाग रहे थे उसका वो सबसे इम्पोर्टेंट बैग ढूंढने, जो कि शायद खो गया था, शायद किसी ने चुरा लिया था. ये था मेरा पहला दिन काफी रोमांच भरा बैंगलोर में. फाइनली वो बैग नहीं मिला. खैर, अनिल अपने एक कम बैग 9 बैग्स के साथ अपने होटल में चला गया था. बाकी सब लोग भी अपने अपने होटल, गेस्ट हाउस या आर्मी मेस में जहां उन्होंने बुक किए थे चले गए थे. मैंने एक अलसूर, जो कि बैंगलोर में जगह है, वहां पे अपना एक गेस्ट हाउस बुक किया था जो मेरे ऑफिस इंदिरा नगर से थोड़ा सा नज़दीक ही था. कुछ ऑटो से 20-25 मिनट लगे होंगे मेरे को. अलसूर पहुंचा, गेस्ट हाउस में चेक इन किया. थोड़ा सा सुस्ता ही रहा था कि अनिल का मुझे फोन आया, गौरव चल यार देख के आते हैं ऑफिस जहां पे हमें कल से ज्वाइन करना है. फटाफट तैयार हुआ और ऑटो पकड़ा और इंदिरा नगर बस स्टैंड पे पहुंच गया. कुछ नंबर 573 था उस ऑफिस का, इंदिरा नगर में, आई थिंक स्टेज 2 में था वो. मेरे को अनिल बस स्टैंड पे मिला. हम लोग अंदर की तरफ वॉक करना शुरू किया तो थोड़ी दूर जाने पे देखा कि कुछ बंगलोज आ गए हैं, कुछ बड़े घर दिखाई दे रहे हैं. हम भी यही दोनों सोच रहे थे कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग आएगी अभी, लेकिन यू नो 550 नंबर, 560, 570 तक आते आते घर दिख रहे थे हमें. दोनों ने कुछ बोला नहीं एक दूसरे को, बस हम वॉक कर रहे थे ये देखने के लिए कि हमारा ऑफिस कहाँ होगा, कॉर्पोरेट बिल्डिंग कैसी होगी हमारे ऑफिस की. 571, 72 और 573 जो कि हमारा ऑफिस था, वो एक कोठी थी. मैंने दोबारा चेक किया एड्रेस की, कहीं मैंने गलत तो नहीं हो गया, कहीं कहीं और आना था, कहीं और आ गए हैं. बट एड्रेस बिल्कुल सही था. एक दूसरे लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि यही एड्रेस है. कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे कॉर्पोरेट है कोई घर के अंदर. तो मैंने जो है राइट साइड पे जाके, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, एक संडे का दिन था, ऑफिस तो बंद था, पर सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा जॉब.
और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला जॉब चाहिए आपको, कल आना मिल जाएगी। मेरे को फिर कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने उस घर के ऊपर कुछ बोर्ड लगे देखे, कुछ बोर्ड कुछ बैंकों के थे, कुछ टेलीकॉम कंपनीज के थे। और जब मेरे को समझ में आया कि ये एक्चुअली में एक डीएसए है, डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, ये डीएसए वही होते हैं जहां पे आपको आजकल क्रेडिट कार्ड्स के लिए या लोन के लिए फोन आते हैं, ये बैंक्स के बिहाफ पे सेल्स करते हैं। और जब हम दोनों ने देखा, हम दोनों वहीं नीचे जमीन पे बैठ गए। अनिल ने शायद लास्ट 10 मिनट में पहली बार मुझे कुछ बोला था, हम जा रहे हैं, हम आज ही जाएंगे घर, हमें नहीं करना है ये सब। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये तो क्लियर था कि गलत प्लेसमेंट हो गई है। टॉप 12 इंडिया के 20 स्कूल में पास करने के बाद ये तो नहीं सोचा था। समझ नहीं आ रहा था कि घर पे फोन करें, कॉलेज को बताएं, सारे सपने जैसे चकनाचूर हो जाते हैं, वो हो गए थे। खैर, अनिल ने रात को 9 बजे की एक ट्रेन चलती है कोंगो एक्सप्रेस, उसमें टिकट बुक कराई। मैं इस बारी फिर दोबारा रात को उसको ट्रेन में छोड़ने स्टेशन गया था। आज दिन में दूसरी बार मैं रेलवे स्टेशन में था। उसने अपना सारा सामान पैक किया, मैंने जाती हुई ट्रेन को देखा। जब आप इमोशनली थोड़े स्ट्रेस्ड होते हो तो आप चाहते हो कि किसी अपने से बात करो। अनिल मेरा अपना ही तो था, कॉलेज का दोस्त, अब तो वो भी जा रहा था। मैं कैसे मैं रहूँगा इस अकेले इस बैंगलोर में, मुझे तो कन्नड़ा भी नहीं आती थी। दिल्ली से पहली बार MBA करने पुणे गया था, पुणे से अब बैंगलोर, कोई भी नहीं था वहाँ पे मेरा। बस यही सोचते सोचते प्लेटफॉर्म नंबर 6 बैंगलोर रेलवे स्टेशन से मैं बाहर आ रहा था, तभी मेरी माँ का फोन आया। कहते हैं कि ये कुछ टेलीपैथी होती है, शायद वो जानती थी। उसने मेरे से पूछा क्या हाल है। मेरी माँ मेरा ये मेरे वीडियो देखती है और आज तक मैंने उनको नहीं बताया कि उस रात मेरी आंखों में आंसू थे। बस यही बोला कि मैंने, हाँ सब ठीक है, बैंगलोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बता ही नहीं सकता था, क्योंकि जब अपनों के, आपके अपनों के सपने टूटते हैं तो दुख ज़्यादा होता है। मैं तो अपने आप को संभाल ही रहा था, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि क्या हुआ है मेरे साथ। हमने कभी बात नहीं करी इस बारे में। और उस रात मैं बैंगलोर स्टेशन से अलसूर पैदल ही चला था, अकेला, गुमसुम, उदास। 2 दिन के बाद मैं उसी रेलवे स्टेशन पर वापस खड़ा था। इस बार एक खुशी की लहर थी मेरे में, मेरा कोई अपना मिलने आने वाला था इस अनजान शहर में। भूरे रंग के कागज में लिपटा हुआ मेरा LMLNV स्कूटर, वो भी तो मुझसे मिलने को बेचैन था। अकेला पैक होकर आया था पुणे से बैंगलोर। उस दिन मुझे लगा कि शायद हम दोनों ही इस मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर लेंगे, आखिर मेरा कोई अपना आया था इस अनजान शहर में। धन्यवाद।